नए कृषि कानूनों को लेकर सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर विपक्षी दल हमलावर है। देश भर में इस कानून के खिलाफ किसानों समेत कई राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कृषि कानून को लेकर जब आप अपने मंत्री को नहीं समझा पाए तो किसानों को क्या समझाएंगे। सचिन पायलट ने सवालिया लहजे में कहा, इस कानून की मांग किसने की थी? या तो किसान कहते कि हमारी ये मांग है तो आप उसकी मांग को पूरा करते। जब आप अकाली दल की कैबिनेट मंत्री को समझा नहीं पाए, आप किसानों को क्या समझा पाएंगे? कांग्रेस नेता ने राज्यसभा में बिल पारित होने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल पारित करते हुए जिस प्रक्रिया का पालन किया गया, उससे पता चलता है कि केंद्र सरकार के पास बहुमत नहीं था। बता दें कि कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि क्षेत्र के कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये किसान विरोधी उपाय है और कृषि क्षेत्र को नष्ट करेंगे। हालांकि सरकार ने जोर देकर कहा है कि नए कानून किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करेंगे और उन्हें अपनी उपज को कहीं भी बेचने की अनुमति देंगे। बता दें, कृषि कानून को लेकर सचिन पायलट का मोदी सरकार पर तंज, जब अपने मंत्री को समझा नहीं पाए तो किसानों को क्या समझाएंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर विपक्षी दल हमलावर है। देश भर में इस कानून के खिलाफ किसानों समेत कई राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कृषि कानून को लेकर जब आप अपनी मंत्री को नहीं समझा पाए तो किसानों को क्या समझाएंगे। सचिन पायलट ने सवालिया लहजे में कहा, इस कानून की मांग किसने की थी? या तो किसान कहते कि हमारी ये मांग है तो आप उसकी मांग को पूरा करते। जब आप अकाली दल की कैबिनेट मंत्री को समझा नहीं पाए, आप किसानों को क्या समझा पाएंगे? जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।